हे गाइस, वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस वीडियो में हम देखेंगे कि गैस्ट्रोपोडा है क्या। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो के लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप मुझे या तो मेरे मेल के थ्रू या तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हायरार्की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, क्योंकि इसे समझने से काफ़ी चीज़ें आसान होंगी गैस्ट्रोपोडा समझने में। सबसे पहले किंगडम आता है, किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, और लास्ट में एक इंडिविजुअल। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, एक इंडिविजुअल हुए, ह्यूमन बींग्स का ग्रुप हुआ, वो स्पीसीज बना, लेटर ऑन ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास फाइलम, एंड ग्रुप ऑफ फाइलम किंगडम। गैस्ट्रोपोडा, तो गैस्ट्रोपोडा जो है एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करता है, फाइलम इसका मोलस्का है, और क्लास गैस्ट्रोपोडा। इंट्रोडक्शन, गैस्ट्रोपोडा है क्या? तो गैस्ट्रोपोडा दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, गैस्ट्रो और पोडा, जिसका मतलब होता है स्टमक और फूड, जिसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि वो ऐसा है जानवर जो कि अपने पेट की मदद से चलता है, जिसका पेट जो है पैर का भी काम करता है, उसे गैस्ट्रोपोडा कहा जाता है। ये यूनिवाल्व एनिमल होते हैं, ये इन्हें यूनिवर्सल एनिमल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर टाइप के एनवायरनमेंट में आपको मिल जाएंगे, बट मेजोरिटी जो है वो मरीन एनिमल्स ही हैं। बहुत सारे गैस्ट्रोपोडा का सेल बहुत सुंदर दिखता है, इसे हम ज्वेलरी, एज ए ज्वेलरी यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारा पर्पस में यूज़ करते हैं। इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो कैम्ब्रियन से, अर्ली कैम्ब्रियन से लेकर अभी तक मिलता है, अनब्रोकन, बीच में मतलब टूटा नहीं है कहीं सीक्वेंस, अभी तक लगातार मिलेगा। मोर देन 50,000 स्पीसीज ऑफ गैस्ट्रोपोडा आर डिस्क्राइब्ड, जिसमें कि 15,000 फॉसिल्स हैं और 35,000 आर स्टिल लिविंग। गैस्ट्रोपोडा जो है उसे हम खाने के लिए भी यूज करते हैं एज ए सी फूड, एग्जाम्पल कॉन्च, पेरिविंकल, लिट्रोनिया, ऐसा बहुत सारा और भी है गैस्ट्रोपोडा का वैरायटी जिसे खाने के लिए यूज किया जाता है। सम गैस्ट्रोपोडा हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स इनटू सब्सटेंसेस। सम गैस्ट्रोपोडा आर यूज्ड ड्यूरिंग वर्शिप, स्पेशली हिंदू धर्म में अगर आप देखेंगे तो शंख बजाया जाता है जो कि एक गैस्ट्रोपोडा होता है। सम गैस्ट्रोपोडा आर यूज फॉर डेकोरेटिंग, मैंने पहले भी बताया कि गैस्ट्रोपोडा से ज्वेलरी बनाया जाता है और डेकोरेटिंग आइटम्स, वेरियस डेकोरेटिंग आइटम्स बनाए जाते हैं, रिंग विंग भी बनाया जाता है, नेकलेसेस बनाए जाते हैं। कुछ डिजीज होते हैं जो कि बेसिकली गैस्ट्रोपोडा से हम समझे उसी से होता है, या फिर हम देखें तो मोलास्का के कारण होता है जो कि गैस्ट्रोपोडा का ये फाइलम है, तो सिस्टोसोमैसिस नाम की ये बीमारी होती है। अब मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो जो अगर हम गैस्ट्रोपोडा अपने सामने रखें और इसकी ओपनिंग अगर हमारे सामने है, ओपनिंग अगर नीचे वाले पोर्शन में है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे पोस्टेरियर कहते हैं, नीचे वाले पोर्शन को एंटेरियर कहते हैं। एंटेरियर मीन्स होता है फ्रंट और पोस्टेरियर मीन्स होता है बैक। एंटेरियर इसको इसलिए कहते हैं ना कि क्योंकि एनिमल जो है इसी ओपनिंग के थ्रू एंटर करता है और इस बड़े से जो होल है, होल WHORL, इसी के अंदर रहता है। अब जो ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसे हम एपेक्स कहते हैं, और जो ओपनिंग है उसे हम अपर्चर कहते हैं या ओपनिंग भी कहते हैं। अब ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे होंगे उसे हम सूचर कहते हैं। ये क्या करता है कि दो होल के बीच में, दो एडजेसेंट होल के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है, एक लाइन बनाता है। नेक्स्ट स्पायर, स्पायर क्या है? तो एपेक्स से लेकर बॉडी होल तक जितना भी पोर्शन होता है उसे स्पायर कहते हैं, और नीचे वाले जो पार्ट है जिसमें कि गैस्ट्रोपोडा रहता है उसे बॉडी होल कहते हैं। अब देखिए जो अपर्चर है कभी कभी क्लोज्ड होता है ये थिन कैल्केरियस मटेरियल से, जिसे हम ओपरकुलम कहते हैं। नेक्स्ट आउटर लिप, इनर लिप।
अब ये जो अपर्चर देखेंगे, अपर्चर का जो आउटर वाला पार्ट होता है उसे हम आउटर लिप कहते हैं, और इनर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम इनर लिप कहते हैं। अम्बिलिकस ये क्या होता है? तो जब हम गैस्ट्रोपोडा को नीचे से देखेंगे तो हम पाएंगे कि वहां एक पोर्स रहेगा, छेद रहेगा, सभी गैस्ट्रोपोडा में नहीं रहते हैं, जिसमें रहेगा उसको हम अम्बिलिकस कहते हैं। ये होल जो होता है उसी के अराउंड ये जो सेल है गैस्ट्रोपोडा का वो लूजली या टाइटली कॉइल्ड रहता है, एक इमेजिनरी एक्सिस रहता है। अगर ये जो ओपनिंग है पार्सली या क्लोजली फिल्ड रहता है, भरा हुआ रहेगा, ढका हुआ रहेगा, तो इसे हम सेलस कहते हैं। कॉल्यूमेला, तो कॉल्यूमेला क्या है? तो ये सेंट्रल एटोमिनल फीचर्स है किसी भी सेल का, जिसके अराउंड सेल कॉइल्ड रहता है, और इसे हम इन परफोरेटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सिफोनल कैनल। तो हम जब देखेंगे गैस्ट्रोपोडा को तो पाएंगे कि एक ट्रफ फॉर्म हो रहा है आउटर लिप के कारण, तो वो ट्रफ को हम सिफोनल कैनल कहते हैं। ऑर्नामेंटेशन, गैस्ट्रोपोडा के जो सेल हैं उनका ऑर्नामेंटेशन कैसे होता है, उसकी सजावट कैसी रहती है? तो पहला तो एक पैरेलल होता है सूचर लाइन के, और दूसरा होता है ट्रांसवर्सिव। पैरेलल में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बीडेड स्कल्पचर्स हो गया, रेक्टिकुलेट स्कल्पचर्स, स्पॉटेड स्कल्पचर्स, पीटेड स्कल्पचर्स। उसी तरह ट्रांसवर्सिव में भी बहुत सारे हैं, एक्सेल कॉस्टी जिसे रेडिएटिंग्स भी कहते हैं, स्पाइरल कॉस्टी, स्पाइंस, कांटा कांटा जैसा निकला हुआ रहेगा, आप पिक्चर्स में क्लियरली देख सकते हैं। नाउ लेयरिंग ऑफ द सेल, सेल की लेयरिंग कैसी होती है? तो ये बेसिकली तीन लेयर से बना हुआ होता है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर है उसे हम पेरियो स्ट्रेकम कहते हैं, मिडिल लेयर को ऑस्ट्रेकम कहते हैं, और इनसाइड लेयर को जो इनर लेयर है उसे हम हाइपो स्ट्रेकम कहते हैं। टाइप्स ऑफ गैस्ट्रोपोडा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉइलिंग, आप बहुत सारे एग्जाम में देखेंगे कि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। बेसिकली दो टाइप का गैस्ट्रोपोडा होता है उनके कॉइलिंग के बेसिस पे, डेक्स्ट्रल और सेनेस्ट्रल। जो डेक्स्ट्रल गैस्ट्रोपोडा होता है उसमें जो अपर्चर होता है उसकी जो ओपनिंग होगी, जब आप अपने सामने गैस्ट्रोपोडा को रखिएगा और उसकी ओपनिंग जो होगी वो राइट हैंड साइड होगी, तो वो डेक्स्ट्रल टाइप ऑफ गैस्ट्रोपोडा होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं म्यूरेक्स, वलूटा। आप इसको कॉइलिंग के बेसिस पे अगर देखना चाहें तो आप अगर टॉप से देखिएगा तो आप पाइएगा कि इसमें क्लॉकवाइज कॉइलिंग होती है। सेकेंड टाइप है सेनेस्ट्रल। सेनेस्ट्रल जो गैस्ट्रोपोडा है इसमें जो अपर्चर होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है, और आप इसके जब ये कॉइलिंग को देखेंगे फ्रॉम द टॉप यू विल फाइंड एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग। इसका एग्जाम्पल है फाइजा, कोरोना। कमिंग टू द जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो ओल्डेस्ट फॉसिल है गैस्ट्रोपोडा का वो लोअर कैम्ब्रियन से कलेक्ट किया गया था। जब हम इसके नेचर को जज करेंगे तो यह पता लगेगा कि यह उससे भी पुराना है। जो अर्लीस्ट गैस्ट्रोपोडा था वो मरीन एनिमल था, एंटायरली मरीन था, बट लेटर ऑन कार्बोनिफेरस टाइम में ये स्नेल कैटेगरी में भी आए। एट द टाइम ऑफ मास एक्सटिंक्शन, जो कि परमियन टाइम में हुआ था, इस समय गैस्ट्रोपोडा अपने आप को वेल मैनेज रखे सर्वाइव करने में, और इवन न्यू स्पीसीज भी इवॉल्व हुआ इनका। लास्ट 65 मिलियन ईयर्स को हम देखेंगे तो पाएंगे कि गैस्ट्रोपोडा अपने मैक्सिमम डेवलपमेंट पे है, अपने पीक पीरियड में है, पर इसके लिए हमारे पास कोई सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ नहीं है कि हम जिसके माध्यम से बता सकें कि वह अपने मैक्सिमम पीरियड में है, अपने मैक्सिमम डेवलपमेंट में है। मगर गैस्ट्रोपोडा अभी तक का एकमात्र ऐसा जानवर है जो कि लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और अभी तक अपने आप को वेल सर्वाइव रखा है, अपने आप को एडॉप्ट कर सका है हर एक इन्वायरमेंट में, और अपना फॉसिल रिकॉर्ड छोड़ा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।